14 फरवरी को भारत देश में जो कि है हमला हुआ था, आतंकी हमला, जिस हमला को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। हम बिहार के एक एक नौजवान जो है सीमा पे जाने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं भी सरकार चूकती है तो यहाँ के बिहार के एक एक नागरिक और एक एक युवा पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सक्षम है। घात लगा के आतंकियों ने जो हत्या की, उनकी 44 जवान मेरे शहीद हो गए, उनके लिए हम, उनके याद में हम सारे लोग आज कला दिवस के रूप में कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। वीर शहीद हमारा है, वीर शहीद हमारा है। मेरा एक भोजपुरी में कहावत है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, आए आतंकवादी दूध मांगोगे तो खीर देंगे। अगर मेरे फौजी भाई लोग को कुछ हुआ तो बिहारी नौजवान सब जाके तुझे चीर देंगे कहीं भी हो। इस हमले की वजह से लोगों का खून खौल रहा है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। बिहार का पूर्वी चंपारण जिला का अरेराज मंडल क्षेत्र है और नवादा पंचायत में हम उपस्थित हैं। यहाँ के तमाम युवा लोग जो हैं यहाँ अभी कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। आज ही के दिन 14 फरवरी को भारत देश में जो कि है हमला हुआ था, आतंकी हमला, जिस हमला को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और यहाँ के तमाम युवा, ये आज की सरकार जो है वो सरकार से मांग कर रही है कि जितना खून हमारे देश के फौजियों का बहा उसी प्रकार से अगर आतंकियों का खून बहे तभी जाके यहाँ के युवा के दिलों में संतुष्टि होगा। और एक बिहार ही नहीं, ये पूरे बिहार के, भारत देश के अन्य अन्य राज्य के युवा लोग भी जो है सभी का आंख आंसुओं से नम चुका है, क्योंकि ये देश के सुरक्षा करने वाले उस नौजवान को जो अपने बूढ़े माँ बूढ़े बाप को छोड़ करके और उस सरहद पे जहाँ कब सीने में गोली लग जाए कोई नहीं जानता है। आप लोग खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तमाम युवा आज डिफेंस लाइन में जाने के लिए तैयार है। सुबह में आप आइएगा तो शायद इस चौक पे लगभग 200 के करीब में युवा लोग दौड़ लगाते हैं। कहीं ना कहीं सभी के दिल में आज इस देश के प्रेम और देश की सुरक्षा के लिए, इस भारत माँ के सुरक्षा के लिए दिल में जगह है। आज 14 फरवरी जो दिन है ये हमारा देश ब्लैक डे मनाता है। आखिरकार 14 फरवरी को जो पुलवामा हमला हुआ था, हमारे जो सैनिक के साथ जो हुआ था, काफी निंदनीय घटना हुई थी और हमारे जो सैनिक जो थे मौत के घाट उतारे गए थे। इसलिए हम लोग जो है बिहार के और भारत के एक एक नौजवान जो है उनका आंख आज नम है। इस दिन जो है उनका आंख नम रहता है क्योंकि आज यहाँ के जो सैनिक थे मारे गए थे। शहीदों के याद में हम लोग कला दिवस जो मना रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत सरकार जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी, वो बार बार हो तभी वो लोग मानेंगे, नहीं तो हमारे वीर शहीद होते रहेंगे। जिनके द्वारा हम लोग इस समय चैन से नींद सो रहे हैं, जिन जवानों की हत्या हो गई, उन घात लगा के आतंकियों ने जो हत्या की, उनकी 44 जवान मेरे शहीद हो गए, उनके लिए हम, उनके याद में हम सारे लोग आज कला दिवस के रूप में कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। हम लोग आज नवादा पंचायत में कैंडल मार्च निकाले हुए हैं, जो कि आज हमारे देश के नौजवान शहीद हुए थे, इसके उपलक्ष में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो और वीर जवानों का सुरक्षा बढ़ा दें और वीर जवान जो है वो मतलब हम लोगों का सुरक्षा और ढंग से करें, यही हम लोग चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम जय हिंद बोलना चाहेंगे, जय हिंद। सबसे पहले यहाँ पे जो है पुलवामा जो हमला हुआ था भारत में, जो कि कश्मीर के बॉर्डर पे हुआ था, हमारे जवान जो है शहीद हुए थे और लगभग 44 जवानों की हत्या हुई थी और बस में IDX पाया गया था और साथ ही हमारे जवान उस समय मौत के घाट उतर गए। वो जवान जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हैं और दिन रात एक करके, वो चाहे बरसात हो, गर्मी हो या कुछ भी हो, वो सीमा पे डटे रहते हैं, जिनके कारण हम सुरक्षित हैं। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये मोमबत्ती जलाने का उद्देश्य यही है कि आज हम उन्हें याद करें। जो कैंडल मार्च है नौजवानों के लिए, तमाम युवा लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं। खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।